वेलकम टू अवर चैनल यूनिक फूड एंड फ्लेवर्स। आज की मेरी मम्मी चाची की रेसिपी है दाल मखनी। होप आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। हमने यहाँ पर चार प्रकार की दालें ली है, उड़द दाल, काले मसूर, चना दाल, मूंग साबुत। चारों दालों को एक बॉल में निकालेंगे और अच्छे से 3 से 4 बार वॉश करेंगे, जिससे दाल अच्छे से साफ हो जाए। दाल हमारी अच्छे से वॉश हो गई है। अब हम एक कुकर में पानी उबालेंगे और उसमें अपनी चारों दालों को डालेंगे। दालों को कुकर में डालने के बाद में मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली है। आप हल्दी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में 1 चम्मच डाली है और उसके बाद में 1 चम्मच घी डाला है। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। एक तरफ दाल उबल रही है और दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल गरम हो गया है और उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के मक्खन डाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मैंने मक्खन यूज़ किया है ये मैंने घर में ही बनाया है, आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने 7-8 कलियाँ लहसुन की और एक छोटा टुकड़ा अदरक का बारीक चॉप करके इसमें डाला है। आप देख सकते हैं लहसुन अदरक गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने एक छोटा प्याज लिया है जिसे चॉप करके डाला है और 3-4 हरी मिर्ची ली है, उसे भी चॉप करके मैंने डाला है। अब हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक के पकाना है और बीच बीच में करछी को चलाते रहना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं अब हमारा मसाला अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने 3 टमाटर लिए हैं जिसे मैं चॉप करके डाल रही हूँ। और जो मैंने टमाटर इसमें यूज़ किए हैं वो देसी टमाटर है, आप चाहे तो बॉम्बे वाले भी यूज़ कर सकते हैं। बीच बीच में हमें करछी हिलाते रहनी है ताकि हमारा मसाला नीचे बिल्कुल भी ना लगे। दूसरी तरफ मैंने दाल उबलने रखी थी और दाल अब अच्छे से उबल गई है। कुकर का ढक्कन खोल दिया है। अब करछी से 2-3 बार दाल को अच्छे से हिलाएं। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर कढ़ाई में कितने अच्छे से पक गए हैं। टमाटर पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। दूसरी तरफ एक करछी दाल का पानी लेंगे और उसे कढ़ाई में डालेंगे ताकि मसाला कढ़ाई से ना लगे, और उसे अच्छे से हिलाएंगे। सेम प्रोसेस फिर करेंगे, 1 करछी दाल का पानी कढ़ाई में डालेंगे और अच्छे से मसाले को पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं मसाले ने कढ़ाई में तेल छोड़ दिया है। इस स्टेज में मैं मलाई डालने जा रही हूँ। यहाँ मैंने फ्रेश मलाई का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं अब हमारा मसाला पक गया है। अब हम इसे दाल में डालेंगे। हमने मसाले को दाल में डाल दिया है। अब हम दाल को अच्छे से उबलने देंगे थोड़ी देर तक। अब हम दाल को थोड़ा सा और पकाएंगे और बीच बीच में करछी से हिलाते रहेंगे ताकि हमारी दाल कुकर के नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं हमारी दाल प्रॉपर पक चुकी है। अब आप स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं और कस्तूरी मेथी का यूज़ भी कर सकते हैं। प्लेटिंग के लिए आप दाल को कटोरी में डालें, उसके बाद फ्रेश क्रीम मक्खन डालें, साथ में धनिए से गार्निश करें। आप इसको चावल, रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं और देखिएगा खाने वाले को ये खूब अच्छा लगने वाला है। होप आप भी इसे मेरी तरह घर पर झटपट बना लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल यूनिक फूड एंड फ्लेवर्स। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करिएगा।